तो स्वागत है आप सभी का। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज हम आपके लिए एक अच्छी सी वैकेंसी लेके आए हैं जो कि उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा निकाली गई, वो भी विद्युत विभाग से। तो आप देख सकते हो विभाग विद्युत जनपद लखनऊ में ये वैकेंसी निकली हुई है जनपद लखनऊ से। तो यहाँ पर आपको जो अनिवार्य शैक्षिक योग्यता होती है वो ट्रिपल सी या ADC का आपके पास एक कोर्स होना चाहिए। तो यहाँ पर आवेदन अभी चल रहा है, 31 तारीख आवेदन करने की आखिरी तिथि है, मतलब कि 31 दिसंबर 2022। तो आप जल्दी से आवेदन कर दीजिए। चलो मैं आपको इसका रिक्त विवरण करके दिखाता हूँ, उसके बाद आपको आवेदन कैसे करते हैं ये सारी चीज़ें बताऊँगा। तो आप चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम रिक्त विवरण पे जाते हैं, तो आपको दिखाते हैं पूरी जानकारी की क्या क्या जानकारी है। तो आप देख सकते हैं जिस कंपनी को टेंडर दिया गया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जिस कंपनी को टेंडर दिया गया है, तो ये इस कंपनी को टेंडर दिया गया है, तो यहाँ पर ये आप पढ़ सकते हैं। बाकी हम आपको और भी जानकारी देते हैं, जैसे कि यहाँ पर किस वैकेंसी के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है, किस विभाग मतलब विद्युत विभाग में किस वैकेंसी के लिए यहाँ पे किस कौन सा पद यहाँ पर निकाला गया है। तो यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है, तो जिन लोगों को कंप्यूटर बहुत अच्छी नॉलेज है, उत्तर प्रदेश का डिप्लोमा है ADCA का, तो वो अप्लाई जरूर करें। जैसे कि कंप्यूटर वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है, तो विभाग विद्युत। और आवेदन करने की अंतिम तिथि जो यहाँ पर आप देख सकते हो 31 तारीख, यानी कि 31 दिसंबर यहाँ पर आवेदन करने की अंतिम तिथि है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और आपको फॉर्म भरने मतलब जब आवेदन करें तो आप सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे 23 तारीख से यहाँ पे फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो गए थे, तो ये भी आपको ध्यान रखने की चीज़ है। 23 तारीख से यहाँ पे फॉर्म फिल होने गए थे। आपने अगर अभी इस चीज़ को नहीं देखा, इस अपडेट को, तो आप जल्दी से आवेदन कर दीजिए अगर आप योग्य हैं तो। और मेरी हेल्प यही रहती है कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आप लोगों की सहायता करूँ, जो भी मतलब अभ्यर्थी हैं जो आवेदन करना चाहते हैं उनकी हेल्प हो जाए। और मैं भी फॉर्म फिलअप करता हूँ, ऐसा नहीं है। और आपको और दिखाता हूँ मैं आपको कुल रिक्तियाँ यहाँ पर वैकेंसी, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो वैकेंसी सिर्फ एक वैकेंसी निकली हुई है, कुल रिक्तियाँ एक वैकेंसी। तो यहाँ पर आपको आप अच्छे से योग्य हो कंप्यूटर में, तो आप जरिए फॉर्म को फिलअप करिए। यहाँ पर और दिखा देते हैं क्या क्या चीज़ें मांगी गई। यहाँ पर कंप्यूटर कैप्टेंसी मतलब कॉम्पिटेंसी मतलब यानी कि कंप्यूटर में शिक्षा समूह कंप्यूटर होना चाहिए, मैं चीज़ तो यही है। बाकी यहाँ पे वर्क स्ट्रीम कंप्यूटर नॉलेज, ये चीज़ तो मैंने पहले बताई है। CCC ADCA का कोर्स चाहिए यहाँ पे, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि CCC और ADCA होना चाहिए, ऑल सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो। फिर और मैं आपको और चीज़ें दिखा देता हूँ। यहाँ पर थर्ड पार्टी मतलब रिक्ति विवरण, कार्य का विवरण, हैंडलिंग ऑफ ऑफिशियल कम्युनिकेशन प्रॉब्लमली हिंदी इंग्लिश, मतलब आपको हिंदी इंग्लिश तो थोड़ी थोड़ी आनी चाहिए, इंग्लिश तो अच्छे से हिंदी सभी को आती है, तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। कम्युनिकेशन प्रेफरेबली मतलब इंग्लिश हिंदी अच्छे से, डाटा एंट्री एंड वेरिफिकेशन, तो यहाँ पर डाटा वैलिडेशन रिकॉग्निशन और ऑफ वैलिड इंटीनियर्स प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेना है। लेटर्स एंड टेबल मतलब टेबल्स, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये सारी चीज़ें आपको। तो यहाँ पर बात करते हैं वेतन का महा मतलब कि वेतन सीमा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वेतन सीमा यहाँ पर 10,000 से 20,000 के बीच में है। बाकी आपको यहाँ पर हर महीने 17,321 रुपये मिलेंगे। यहाँ पे वेतन बहुत अच्छा है। बाकी यहाँ पे आप अच्छी तरह कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर पुरुष और महिला दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं, ये चीज़ आपको पढ़ लेनी है। तो यहाँ पर और अधिकतम आयु और न्यूनतम आयु की बात करते हैं। न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु 40 वर्ष तक आपकी आयु होनी चाहिए। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अपेक्षित अनुभव यानी कि सेक्टर यानी कोई भी अनुभव हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस कंप्यूटर में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। 3 वर्ष 0 माह का आपको अनुभव यहाँ पे बताया गया है कि अनुभव होना चाहिए, तो कंप्यूटर नॉलेज हो या वैसे भी मतलब, तो 3 वर्ष का अनुभव चाहिए एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर कार्यस्थल उत्तर प्रदेश वैकेंसी लखनऊ में निकली हुई है, तो ये चीज़ आप पढ़ लेना कि वैकेंसी लखनऊ में निकली हुई है। बाकी यहाँ पे क्या क्या और अन्य विवरण, यानी कि आपको जब आपका शायद इंटरव्यू हो तो वहाँ पे क्या पूछा जाएगा, मतलब इंटरव्यू में क्या पूछा नहीं जाएगा, मतलब कंप्यूटर से है तो आपको स्किल्स चेक करी जाएगी। डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन ADCA CCC सूट प्रोसेस है, टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान से देखनी है। 35 वर्ड हिंदी, तो यहाँ पर हिंदी में आपको 35 वर्ड आप टाइप कर सको एक मिनट में। वेल वर्स्ड विद MS Office, यानी कि MS Office में आपको अच्छी सी नॉलेज होनी चाहिए, तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नोट यू आर रिक्वेस्टेड, तो ये सारी चीज़ आपको फिलअप कर लेनी है, मतलब आवेदन कर देना है और फुलफिल द गिवन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपको इन चीज़ों में एलिजिबल हो आप फॉर्म में अप्लाई करने के, तो आप जरूर अप्लाई कर दीजिए। आपने देखा यहाँ पर आपको ADCA CCC का एक डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, 35 वर्ड हिंदी में आना चाहिए, तो ये सारी नॉलेज है कंपलसरी आपको होनी चाहिए। और आप यहाँ पे आवेदन के ऑप्शन पे
फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, आई होप आपको वीडियो जरूर समझ में आई होगी।